नेक्स्ट टॉपिक अपना मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। देखिए मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध के बारे में अपन जानते हैं कि मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। हमने इसके क्षेत्रों का अध्ययन किया था, फिर हमने इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था कि मानव भूगोल के दो उद्देश्य बताए गए थे आपको। इसके बाद फिर अपन ने मानव भूगोल की शाखाएँ भी पढ़ी थी कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएँ हैं, उसी शाखाओं के तहत मानव भूगोल का अन्य विषयों से भी संबंध है। तो मानव भूगोल के अन्य विषयों से संबंध यानी कि मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, राजनीति विज्ञान के साथ, इतिहास के साथ व अन्य विषयों से घनिष्ठ संबंध है। तो सबसे पहले आता है मानव भूगोल और मानव शास्त्र। मानव शास्त्र के साथ संबंध। देखिए मानव शास्त्र मानव भूगोल के अंतर्गत मानव शास्त्र क्या है कि मानव शास्त्र में मानव की उत्पत्ति के बारे में, मानव के उद्भव के बारे में, मानव के विकास के बारे में, मानव की शारीरिक संगठन के बारे में, इसके अलावा मानव के अनेक प्रकार की अनुकूल भौतिक दशाओं का अध्ययन मानव शास्त्र में किया जाता है इसी प्रकार से मानव भूगोल की एक मानव भूगोल भी एक महत्वपूर्ण शाखा के तहत मानव भूगोल में भी मानव की उत्पत्ति, मानव के उद्भव और मानव के शारीरिक संगठन, इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में भी किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल और मानव शास्त्र दोनों में मानव की उत्पत्ति, उद्भव, विकास और उसकी भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया जाता है इस प्रकार से मानव भूगोल का मानव शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है दूसरा है मानव भूगोल और समाज शास्त्र से संबंध। मानव भूगोल और समाज शास्त्र से संबंध। समाज शास्त्र में क्या है, मानव की सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव के सामाजिक कार्यों के तहत विवाह, धर्म, परंपराएं, इन सब का जो अध्ययन है वो समाज शास्त्र में किया जाता है। उसी प्रकार से मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में भी मानव की सामाजिक गतिविधियों के बारे में, सामाजिक कार्यों के बारे में और सामाजिक धर्म परंपरा, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल की प्रमुख शाखा सामाजिक भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल का समाज शास्त्र से भी घनिष्ठ संबंध है। तीसरा है मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान से संबंध। देखिए राजनीति विज्ञान के बारे में तो सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में मतलब कि सरकार शासन प्रणाली का अध्ययन किया जाता है इसके अलावा राजनीति विज्ञान में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में,
उनका अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के तहत ही प्रदेश की सीमाएं, प्रदेश की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत राजनीति विज्ञान माननीय राजनीति विज्ञान एक प्रकार से महत्वपूर्ण विषय में शामिल किया जाता है। उसी प्रकार से मानव भूगोल की भी एक प्रमुख शाखा है राजनीति भूगोल। मानव भूगोल की भी एक प्रमुख शाखा है राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल में भी किसी देश की सीमाओं के बारे में, उस देश के साथ और दूसरे देशों के बीच होने वाले संबंधों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों ही संबंधों का अध्ययन राजनीति मानव भूगोल की राजनीति भूगोल शाखा में किया जाता है। इस प्रकार हम ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का मानव भूगोल से भी घनिष्ठ संबंध है। चौथा है मानव भूगोल और इतिहास से संबंध। इतिहास से संबंध तो देखिए, मानव भूगोल में इतिहास से क्या संबंध है? इतिहास अतीत की अतीतकालीन घटनाओं से वर्तमान में जब उनका अध्ययन किया जाता है तो वो इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि अतीत काल में घटित होने वाली जो घटना है वो इतिहास में कहलाती है, इतिहास कहलाता है। तो मानव भूगोल में क्या है कि आज जो वर्तमान में जो घटित हो रहा है, आज जो वर्तमान में घटित हो रहा है, कल वही इतिहास में शामिल किया जाता है। तो ऐतिहासिक घटनाओं के अंतर्गत अपन देखते हैं कि मानव भूगोल के तहत इतिहास में जो प्राचीन काल जैसे कृषि के बारे में है, इसके अलावा परिवहन के बारे में है, उद्योगों के बारे में जो घटित घटनाएं, उन सब का अध्ययन इतिहास की मानव भूगोल की प्रमुख शाखा ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इतिहास में अतीतकालीन घटनाओं का अध्ययन करके वर्तमान के भूगोल को सुधारा जा सकता है, वर्तमान के भूगोल को सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन मानते हैं कि मानव भूगोल का इतिहास से घनिष्ठ संबंध है। पांचवा है मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान। देखिए, सैन्य विज्ञान के तहत अपन ये मानते हैं कि सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस में अपन ये मानते हैं कि जो युद्ध प्रणालियां होती हैं, युद्ध में घटित घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का जो अध्ययन है वो सैन्य विज्ञान में किया जाता है। आज वर्तमान में अपन देखते हैं आधुनिक हथियारों का प्रयोग करके एक देश से दूसरे देशों से अपन सर्वे सर्वा होना चाहते हैं, परमाणु शक्तियां हैं और भी कई प्रकार के हाइड्रोजन बम जैसी घटनाएं होती हैं, उन सबका जो अध्ययन है वो सैन्य विज्ञान में किया जाता है। उन सबका अध्ययन किस में किया जाता है? सैन्य विज्ञान में किया जाता है। इस सैन्य विज्ञान में होने वाले जो लाभ है उन सभी लाभों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल का सैन्य विज्ञान से भी घनिष्ठ संबंध है। तो आज अपन ने देखा कि मानव भूगोल के बारे में, उसकी संबंधों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में अपन मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का अध्ययन करेंगे।